पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी को दीमक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1952 से देश को चाट कर खोखला कर दिया है, देश को भूख भ्रष्टाचार की आग में झोंककर कंगाल कर दिया है। ईडी की छापामार कार्रवाई में राहुल के मोहब्बत की दुकान अर्थात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस 1952 से सरकार में आने के बाद में दीमक की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था को चाटने का काम किया गया। इनके मोहब्बत के दुकान में 200 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं। ऐसे लोगों का एक जो अवैध गठबंधन जिसे हमने घमंडिया गठबंधन कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार जितने हुए हैं, यदि मैं इसको एक सेंटर का नाम दूं तो गांधी करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मोदी जी स्पष्ट कर दिए जाने के बाद में हम ऐसे तमाम लोगों को जो गरीबों के जो पैसा खाएंगे, गरीबों के मेहनत का पैसा लूटेंगे, करप्ट है और जिस प्रकार से अवैध रूप से यदि धन जमा पूंजी करेंगे, लूट खसोट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि जब भी ईवीएम की बात होती है तो भाजपाइयों को मिर्ची लग जाती है, ये मिर्ची लगना कितना उचित है? इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, मिर्ची की बात हमको नहीं लग रही है। जिस समय 67 सीट जीत करके आए, सीधा उनको मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोलना था कि इस पर मुझे विश्वास नहीं है, इसके बजाय आप मतदान कराइए और सिर ठप्पा लगवाइए, ये बहुमत को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि ये काम भूपेश बघेल जी कर दिए होते तो आज उनकी बात सही होती। जब कांग्रेस जीत जाती है तो हम ठीक है और जब उनके बंधक हार हो जाती है तब उनको लगता है कि हमें गड़बड़ी है। ये एक बहाना ढूंढ लिया है विपक्षी पार्टी को, घमंडिया गठबंधन और इस प्रकार की जो बात करते हैं। 2018 में इस बात को क्यों नहीं रखे, उस निर्णय को क्यों माने, वो उस रिजल्ट को क्यों स्वीकार किए? उनको कहना था कि हम नहीं मानेंगे इसको, भले हमारे बहुमत है लेकिन आप उसको सिर धक्के के द्वारा हमारे चुनाव कराइए, हम उसको मानेंगे, तब ये बात साबित होती। आज उसके कहने से मिर्ची हमको नहीं लग रही है, मिर्ची उसको लग रही है। निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, और जो किसी भी कारण से उनके क्षेत्रों में फंस गए उनको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए आपके विचार? मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके, छत्तीसगढ़ के बारे में सोच सके, और हमारे हाईकमान प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे गृहमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं, जिनके